दोस्तों आप में से कई लोगों ने टाइपराइटर का इस्तेमाल किया होगा। अगर नहीं किया है तो कंप्यूटर और मोबाइल पे तो टाइप जरूर करते होंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि टाइपराइटर का कीबोर्ड और कंप्यूटर का कीबोर्ड एक जैसा ही होता है, लेकिन जब आपने टाइपिंग की शुरुआत की थी तब आपको टाइपिंग करते हुए बहुत ज्यादा दिक्कत हुई होगी और आपने मन ही मन में टाइपराइटर के इन्वेंटर को जरूर गाली दी होगी कि उन्होंने ABCD के जैसे सीधे अक्षरों में टाइपराइटर या कीबोर्ड को क्यों नहीं बनाया। अगर ऐसा बनाया होता तो हमारा टाइपिंग का काम कितना आसान हो जाता, लेकिन कीबोर्ड को बहुत सोच समझ करके ही ऐसा बनाया था जिसे हम QWERTY फॉर्मेट कहते हैं। टाइपराइटर के इन्वेंटर क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने 1868 में फर्स्ट कीबोर्ड ABCD फॉर्मेट पे ही बनाया था, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चला ABCD फॉर्मेट वाले कीबोर्ड पे टाइप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और स्लो भी है। टाइप करते वक्त AEISM इन लेटर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और X और Z जैसे लेटर का बहुत कम इस्तेमाल होता है। फिर उन्होंने टाइप करते वक्त उंगलियों को हिलाने में आसानी हो इस पे सोच विचार करके 2 साल बाद 1870 में QWERTY फॉर्मेट लाया, जिसका इस्तेमाल टाइपराइटर कंप्यूटर और मोबाइल के कीबोर्ड में किया जाता है।